आई एम मिस्टर विनोद कुमार वाल्मीकि। इस बार विधानसभा चुनाव करीब है, सभी पार्टियां तैयारियां कर रही हैं, सभी पार्टियां अलग अलग सम्मेलन कर रही हैं, तो इसमें आम जनता जो है उसका क्या मानना है, वो इस बार किस तरह झुका होगा? जनता हम भी हैं, जनता जो भी है वही सब हमारे अपने हैं और उन्हीं जनता में से हम भी एक हैं। पर ये कहना था, अगर जनता का भला ही किया जा रहा है तो जनता के बीच में आकर के भला करें। क्या आप जनता के बीच में जनप्रतिनिधि नहीं आते हैं जिनको जनता चुन के भी? जनता ही चुनती है, पर ये होता है कभी कभी गलतियां तो सभी से हो जाती हैं, बड़ों से छोटों से, हमसे भी हो जाती है। तो ये चाह रहे थे कि ना हो करके भाई आ करके वो कुछ अच्छा बुरा दे करके तब सुझाव लेते किसी को भेज करके। अभी जनता के बीच में जनप्रतिनिधि नहीं आते हैं और वोट लेने के बाद 5 साल बाद ही दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि अभी चुनाव का समय चल रहा है, अभी तो जनता के बीच में सभी प्रतिनिधि जा रहे हैं, इस पर क्या कहना? मैं ये कह रहा था अपने विषय में सिर्फ कहना चाह रहा हूँ कि जैसे कि मैं एक सफाई कर्मचारी हूँ, गवर्नमेंट कोई भी आए या कोई भी माननीय मुख्यमंत्री जी आते हैं तो कभी सफाई कर्मचारी को देखने नहीं आते, बस ये होता सफाई देखने चले आते हैं। नहीं तो इस बार मुख्यमंत्री ने कई सफाई कर्मियों को सम्मानित भी किया है, जो है उनका अप्रिशिएट भी किया है, तो ऐसे में आप ऐसे कैसे कर रहे? योगी जी ने तो सफाई कर्मियों को सम्मानित भी किया है। हाँ, सम्मानित तो कर दिया है, पर हम वही तो चाह रहे थे कि जैसे कि सम्मानित कर दिया है, अब ये अगली वैकेंसियाँ का पता ही नहीं चला अभी तक, मतलब बेरोजगारी है, बेरोजगारी। तो इस बार विधानसभा चुनाव में किसको वोट देंगे और किसकी सरकार बनाएंगे? माननीय मुख्यमंत्री योगी जी को। बीजेपी की सरकार फिर से चाहते हैं, लेकिन रोजगारी के मुद्दे पर काम करें, बस और क्या।